जी हाँ भाई लोग, तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग चैनल अल्टीमेट व्लॉग में। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से, हमें जाना है श्रीनगर। तो हमें उधमपुर से बनिहाल के लिए जा रहे हैं इस टाइम, और चाहते हुए आप इन नज़ारों का आनंद उठाएं। बाकी मिलते हैं स्टेशन पर, तो बने रहिए मेरे साथ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. ये दुख का है नहीं जा रहा भैया, हम कम से कम 20 मिनट से इस टनल के अंदर चले जा रहे हैं, और दिन में भी हमें रात देखनी पड़ रही है। ये दुख का है नहीं जा रहा भैया, कब जाएगा ये दुख। तो जी हाँ, आ चुके हैं बनिहाल स्टेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ आसपास कोई भी नहीं है, और ट्रेन खाली है, कुछ ही देर में शायद फुल हो जाए ये। बाकी पहुँचते हैं हम श्रीनगर स्टेशन, और आगे का नज़ारा बने रहिए मेरे साथ। जी हाँ, तो ये ट्रेन चलती हुई आप देख सकते हैं बनिहाल का नज़ारा। पहुँचने वाले हैं हम कुछ ही समय में श्रीनगर। तो आ चुके हैं हम श्रीनगर, आप देख सकते हैं जैसे कि ये रेलवे स्टेशन है श्रीनगर का। यहाँ से हम जाएंगे डल झील की तरफ, या फिर डल गेट बोल सकते हैं आप, जहाँ पर बोट हाउस बने हुए हैं, और वहाँ पर पहुँच के हम बोट हाउस लेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा आपको अपना बोट हाउस कि कैसा है। तो आ चुके हैं हम, ऑटो ले लिया है हमने, और हम कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं डल गेट, तो वहाँ पर हम बोट हाउस लेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो जी हाँ, आ चुके हैं हम डल झील, और मैं आपको बोट हाउस जो हमने लिया है वो आपको दिखाना हूँ। और चलिए मेरे साथ, मैं आपको अपने रूम की तरफ ले चलता हूँ। कैसा है रूम वो तो आप अपनी आंखों से देख ही लोगे। यहाँ से एंट्री होती है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर से लेके चलता हूँ अंदर की तरफ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपना रूम किस तरीके का है। तो आप बाहर से नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है। अब मैं आपको धीरे धीरे लेके चलता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर सकते हैं। और आगे चलें तो यहाँ पे एक टेबल लगी हुई है, डाइनिंग टेबल, जिस पर आप बैठ के अपने साथियों के साथ बैठ सकते हैं। और अब रूम की तरफ लेके चलता हूँ मैं आप, और आप रहिए मेरे साथ। और बस कुछ ही देर में हम पहुँचने वाले हैं रूम की तरफ, आप आए तो ज़रूर विजिट करें यहाँ पर। बहुत ही मतलब मस्त है, कुछ भी कहो, जितनी तारीफ करी जाए बहुत कम है। ये देखो यहाँ पे सिंगल बेड, डबल बेड, जो हम तीन साथी हैं वो भी बाहर गए साथ। यहाँ पर अटैच इसी के साथ एक मस्त टॉयलेट वॉशरूम है। अब फिर मैं आपको बाहर की तरफ लेके चलता हूँ दोबारा से। व्यू तो बहुत ही गजब है, यानी कि जितना कभी भी आए आप
तो बोट हाउस लें, सबसे यही सजेस्ट करूँगा मैं तो। बाकी मतलब श्रीनगर आए तो बोट हाउस में ना रहें तो कोई बात ही नहीं है, मतलब कुछ मज़ा ही नहीं है। अगर तुम श्रीनगर आए हो और बोट हाउस में ना रहो तो सारा मज़ा ख़राब है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से। जो 2 दिन का स्टे है हमारा यहाँ पे और 2 दिन बाद हम देखो कहाँ के लिए निकलते हैं। सॉरी, यहाँ से बैठ के आप नज़ारे का व्यू पूरा मज़ा ले सकते हैं। बाकी ये बोट आप देख रहे हैं चल रही हैं, बाकी आप इन बोट में बैठ के अदर भी जा सकते हैं। तो जी हाँ, आ चुके हैं हम नेहरू गार्डन और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और लेके चलता हूँ मैं अंदर, आपको जो कुछ देखने या दिखाने लायक है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और चलते रहिए मेरे साथ, मैं आपको अंदर की तरफ ले जा सकता हूँ। यहाँ पे आने से पहले कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवा लें, जो कि मैंने नहीं लगवाई थी, बाकी मुझे दिक्कत हुई नहीं है, जो मैंने ट्रिक लगाई थी, बट आपको वो लगाने की ज़रूरत है नहीं, कहीं मैं तो बच गया और आप फंस जाओ। इसलिए आप कई कोशिश करना कि आप कोरोना की वैक्सीन लगवा के यहाँ पर आओ और आकर यहाँ इस जगह का पूरा मज़ा लें। और लेके चलता हूँ मैं आपको इस नेहरू गार्डन के पीछे की तरफ, तो लीजिए मज़ा मेरे साथ। तो ये छोटी सी वीडियो इसीलिए ताकि आपको ये ना लगे कि मैं अदर कहीं से वीडियो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो आपको दिखा दूँ मैं आया हुआ हूँ नेहरू गार्डन, जिसे चश्मे शाही के नाम से जानते हैं, और नहीं जानते हो तो अब जान जाएंगे, देख लो जैसा भी है। इतना भी कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, अकेला आया हुआ हूँ, साथ इंटरेस्टेड नहीं थे घूमने में, उन्हें होटल में रहना पसंद था, तो मैंने सोचा मैं अकेले ही चलता हूँ क्योंकि मैं तो बैठने वाला हूँ नहीं, जब मैं इतनी दूर आया हूँ तो घूम के तो जाऊँगा। इसके बाद आगे इसाद गार्डन, उसके बाद शालीमार गार्डन, तीनों गार्डन घूम के, और तीनों का व्यू आपको बने रहिए मेरे साथ, तीनों व्यू जैसे दिखता आपको बताऊँगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ का नेचर, आप अपने फैमिली के साथ आकर यहाँ का पूरा फुल एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ के नेचर को काफ़ी ज़बरदस्त है। मैं तो बस अकेला ही हूँ, बाकी आप अपनी फैमिली के साथ अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं। तो लगभग इस पार्क के सबसे ऊपर की तरफ आ चुका हूँ मैं, जहाँ तक मुझे पता है चारों तरफ का व्यू, मतलब शाम के टाइम ये वाला नज़ारा बड़ा गजब का, ये वाला दिखाना हूँ, ये वाला व्यू देख सकते हैं आप, ये वाला व्यू बहुत ही गजब का, इतने पास है ना कि जितने तुम इस वीडियो में फील नहीं कर पा रहे, मैं आंखों के अपनी सामने जो फील कर पा रहा हूँ, चारों तरफ हरियाली हरियाली, समा पुराना जहाँ पुराना, आंखों देखी धट तेरी की, कोई लिरिक्स ही नहीं बन रही, कोई बात नहीं, लिरिक्स पे मत जाओ, व्यू का मजा लो बस, व्यू का। ये क्या भाई सब, ये तो आ चुके हैं हम श्रीनगर की वादियों में, और इस गार्डन का मैंने आपको दिखाई दिया है कैसा व्यू है, और आप मेरे पीछे ये पहाड़ देख ही रहे हैं, मतलब बहुत क्लोज हैं भाई साहब, बहुत क्लोज, गजब की फीलिंग आ रही है। और एटलीस्ट जो थोड़ी बहुत कमियाँ इस व्लॉग में मेरे हों तो मेरा फर्स्ट व्लॉग है, एडजस्ट कर लेना, बाकी जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस लेस हो जाऊँगा तो मस्त प्रॉपर तरीके से व्लॉग आया करेगा, थोड़ा सा सपोर्ट है बस, बाकी समझ रहे हो। बाकी और क्लोज जा रहा हूँ मैं जितना जा सकता हूँ, मगर ये दृश्य देखने लायक है, देख रहे हो, जन्नत, सुकून, सुकून का रास्ता, ये प्यार व्यार मुझसे नहीं होगा, अगर तुम्हें मेरे साथ आना है तो आ जाओ पहाड़ पे। बाकी ऐसे कुछ करके ही वाला डायलॉग आता नहीं है, जितना आया सेव दिया, गलत है मुझे पता है, एडजस्ट कर लो यार सब, कोई बात नहीं यार, क्या बताऊँ मैं आपको, ले चलता हूँ इस जहान के रास्ते पर। अब ये रास्ता डायरेक्ट पहाड़ की तरफ चला जाए ऊपर,
फिर तो पूछो मत, मैं ऐसा जाने वाला हूँ नहीं कि मेरे से बस की तो है, अकेले यार बोर हो जाऊंगा, बर्ड्स लाया नहीं मैं अपने, इतना ऊपर जाना उतर के आना। बाकी ये है चश्मे शाही मुगल, सॉरी मुगल नहीं, चश्मे शाही कौन सा गार्डन है भूल गया यार, चश्मे शाही से याद रखो बस, बाकी बाहर जाके बता दूंगा कौन सा है। तो देख रहे हो लग रही है ना प्राइवेट प्रॉपर्टी, ना के कोई ना पीछे कोई, चारों तरफ मैं ही मैं और पीछे पहाड़ों का नज़ारा। तो बने रहिए मेरे साथ, इससे अगला गार्डन दिखाऊंगा और जहाँ भी जाऊँगा आपको साथ लेके जाऊँगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को बटन दबा के ऐसे ही कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी व्लॉग लाने की। बूम। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on. Till my shadow turns to sun rays. And I